आज मेरा एक नया रूप आप लोग देखेंगे। काफी गहन चिंतन के बाद मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाया जाए। जी हाँ, और जिन लोगों ने जरा टाइटल पढ़ा होगा उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे, रुक जाइए दो मिनट। मगर पहले जरा ओपनिंग थॉट दे दिया जाए। हाय, मैं हूं आपके बंदा घूम केतु, मेरा नाम है सुशांक, यो बॉय नेक्स्ट डोर। अब जरा नोशन और मोशन और लैंग्वेज चेंज है। चलो भाई। हाँ बे, तो हम क्या बात कर रहे थे आज? जी हाँ, जो लौंडे ये वीडियो का टाइटल देखे हैं और देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि आज नशे की बात होगी, नशे की, नहीं नहीं अबे वो नशा नहीं है बे, नासा है। हाँ, हमको लगा कि देखो जैसे बहुत हो गया, बहुत सारे लोग बहुत बकैती करते हैं यूट्यूब पे, किसी न किसी को डांड बोल देता है, किसी न किसी को कुछ बोल देता है, किसी न किसी को कुछ कह देता है, जेका देखो वही एक युद्ध ठाने हुए किसी न किसी इंसान से। तो इसी बात पे हमने सोचा कि सुनो बाबू, बहुत हो गया ऐसा इंडिया के अंदर डांडिया खेलना, अब थोड़ा इंटरनेशनल खेलते हैं। तो इंटरनेशनल खेलने के लिए हमको सबसे प्यारा चीज ये दिखा। जी हाँ, नशा मतलब नासा। और अगर आप ये नहीं जानते हैं कि नासा क्या है तो आप जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। हाँ, रवि किशन बाबू का टेम्पलेट मिला तो लगा देंगे। इसी बात पे हमने सोचा का है ना रिव्यू कर दिया जाए नासा का। अब तुम यही बात बोलोगे, अबे रिव्यू करना था तो इसरो का कर लेते, क्रिटिसाइज करना था इसरो को करते, देखो कितना पिछवाड़े है इसरो। अबे इधर सुनो, हम वो नहीं है जो शर्मा जी के लौंडे कहानी सुना सुना के अपने लौंडे का जीना हराम किए रहेंगे। हम वो है बे जो बाहर वाले लौंडे का जीना हराम कर देंगे अपने लौंडे के नाम से। वैसे भी देखो एकदम सस्ता उत्तम टिकाऊ काम करना इसरो वाले। बस इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं नासा का रिव्यू। हमारी कछु दिक्कतें नासा से, जवाब मिल जाए नासा तो प्लीज हमको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाइएगा, और जिसको ऑफेंड होना है ऑफेंड हो जाओ क्योंकि मजाक चल रहा है, सीरियस वाले तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हमारा पहला दिक्कत नासा से, अबे इतना तुमको पानी खोजना है, इतना सब कुछ तुमको दिमाग लगाना है, पैसा रुपया कौड़ी सब उड़ा डाले हो बे तुम, मतलब बताओ 70-71% पृथ्वी पर पानी है, ये हमको पता कैसे? गूगल किए थे पता चल गया था, ठीक है। उसमें से पिए लायक पानी कौन सा है? अब उसमें से पिए लायक पानी 1% नहीं है। जी हाँ, उसमें थुड़का सा ही पानी है जो पीने लायक है। तो नासा से हमारा एक ही सवाल है, अबे तुम इतना पैसा उड़ाते हो, रॉकेट में बैठते हो, पीछे आग लगाते हो, उड़ते हुए जाते हो, साला रॉकेट जहां जाना है वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये भी नहीं पता, कि आधे रास्ते में एकदम चुक चुक मुन्ना हो जाएगा, बताओ। जब तुमको ये सब नहीं पता है उसके बाद तुम फन्ने खा बन के, नहीं हम तो मंगल पे पानी खोजेंगे, कुछ नहीं मिला तो चांद पे खोजेंगे। अबे जो तुमको पानी मिला हुआ है उसी को काहे नहीं पीने लायक बना लेते बे? 71% पानी में से साला 1% पीने लायक, बाकी का 70% तुम पीने लायक काहे नहीं बना लेते बे? इतना बड़ा तोप हो तो है, नहीं तो जाएंगे गाड़ी चढ़ कर जाएंगे उड़ के ये साले दूसरे जगह पानी खोजेंगे, और फिर कुछ दिन बाद बोल देंगे अरे हम सारी कुछ नहीं हुआ सब डांड हुई गवा। पॉइंट नंबर टू, नासा तुमको बहुत खुजली है बे, तुमको ऐसा जीवन विवन बाहर बसाना है दूसरे प्लेनेट पे, अर्थ तुमको पता नहीं कहे नहीं सुहा रहा है। अबे तुम भारतीयों को जानते नहीं हो, सैनिक फार्म के 4 लौंडे पजेरों में बैठ के आएंगे फिर तुम्हारा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे वहीं पे, सही बता रहे। और उससे भी अगर मन ना भरा ना तो दिल्ली वाली प्यारी भाषा में सीधे बोलेंगे तो जानता नहीं मेरा बाप कौन है। ये तो सिर्फ 2 नमूने थे, तीसरा नमूना अबे हम वहां पे भी कोटा लगा देंगे कि सुनो रिलोकेट कर रहा है नासा, तुम दलित हो इसलिए तुमको 33% फ्री में टिकट मिलेगा, ठीक। अरे तुम जनरल हो, एक काम करो तुम्हारे घर में भूजी भांग ना हो खाने की मगर तुम 4 लोगों का पैसा दोगे, काहे काहे कि तुम जनरल हो। आर यू कॉमेडी मी? और ये सब जब निपटा लोगे उसके बाद हमारे यहाँ की पब्लिक जी और जा, हमारे यहाँ की पब्लिक ऐसी है कि जहां तुम 4 बैठाते हो वहां 40 बैठाएंगे। अरे भैया थोड़ा साइड होइएगा, भैया थोड़ा ऐसा कोने में होइएगा, अरे बहुत जगह है, अरे खड़े हो जाओ बच्चे गोद में बैठा लो। नहीं कर सकते तुम ऐसा,
नासा तुम्हारा सारा प्लान फेल है, बता रहे हैं। अबे इससे अच्छा सुनो, तुमको बेहतर प्लान बता दे रहे हैं। जब देखो ना तब तुम्हारे किसी जंगल में आग लग रही है, बताओ। जानवर और इधर उधर बहुराग भागने लगते हैं। ओ माय गॉड फायर, ओ माय गॉड फायर। इंसान की फायर देख के फट की फिलावर हो जाती है बे। इतना ही टेक्नोलॉजी है तो 40 जो ऊपर तुम सैटेलाइट भेजे हो बे, उससे आग लगने के पहले ही पता लगा लेते। अब तुम बोलोगे नहीं हम तो अपने नाम का सीरियस लेंगे। तो तुम्हारा नाम क्या है बे? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इतना सीरियस लोगे बे अपने नाम को कि हम भागेंगे भी स्पेस में, हम मूतेंगे भी स्पेस में, हम खाएंगे भी स्पेस में। तो अबे इधर सुनो, हमारा नाम घूमकेतु है। अपना नाम ज्यादा सीरियस ले लेना तो मुंबई में लॉकडाउन लगा है, जानते हो मुंबई पुलिस को बे? अबे अमेरिका की पुलिस फेल है बे, सही बता रहे। अमेरिका पूरी पुलिस, कुल पुलिस डाण है। जिस दिन हम मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए फर्जी घूमते हुए, अबे इतना कुटाई करते हैं बिटवीन टू लेग्स कि ना नन्हा घूमकेतु आएगा ना नन्ही घूमकेती आएगी। आगे स्वाद समझ रहे हो? और ऐसी हालत में अगर किसी लड़की के पास चलेगा रिश्ता लेके, हमसे शादी कर लो, ऐसा गलित शकल बना के देखेगी नशा कि सही बता रहे, तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं रहेगा। तो जरा नाम को ना थोड़ा सीरियस लेना बंद कर दो बे। काम करो, अपने 4-5 लौंटों पकड़ो, ऐसा जुट बनाओ, ग्रुप बनाओ, भेजो इधर उधर बे। मतलब वो आग वाला कहानी तुमको बताए थे, मगर खाली कागज वाली प्रॉब्लम थोड़े बे। ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी दिक्कत चल रही है, उसके लिए क्या कर रहा बे? यहाँ पूरा पूरा आईलैंड साला अंटार्कटिका में जुड़ा जा रहा है, पानी बन जा रहा है, यहाँ गिर गया, वहां पड़ गया, ये खत्म हो गवा, वो खत्म हो गवा, वो साला बह गवा, उसको थोड़ा सही करवाओ। लौंडो का ही खाली काहे गुट बनाओगे बे? मेहरारुओं को भी ले लो, काहे कि दोनों तरफ से देखना पड़ता है ना। इंडिया में फेमिनिज्म की बात ना करो तो लोग बुरा मान जाते हैं, वीडियो डाउन करवा देते हैं, कहते हैं नहीं एक तरफा बात कर रहा है लौंडा। नहीं अबे आगे और बताओ क्या बोले हम तुमको। हम कहते हैं कि दिक्कत हर जगह है, तुम्हारे पास भी, हमारे पास भी है, मगर तुम्हारा साला चुतियापा खत्म नहीं होता बे। कितना तुमको सिखाएंगे, तुम तो रामाधीर के लौंडे हो गए हो यार। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बताओ अभी हम पढ़ रहे थे इंटरनेट पे कि तुम बहुत बड़ा तोप मारे हो, कोई इंसान था नीला स्ट्रॉन्ग, वो लौंडे को हेलमेट वेलमेट पहना के, कपड़ा उपड़ा अच्छे से पहना के, सरिया के रॉकेट पे बिठा के भेजे थे तुम, कहते बाबू जाओ चांद पे जाओ, जरा छापा मार के आ जाना। वह गवा साला एक तो पैर निशान लगा के आ गवा, झंडा लगा के आ गवा, ठीक है। अबे वो सब तो हमारे शादी में लड़कियां भी करती हैं, ऐसा दरवाजे में ऐसा घर के आगे ऐसा छप्पा मार देती हैं। अबे बंगाली पिक्चरों में आमी मोंजली का बना के दिखा देते हैं यार। तुम बताओ, लोग तुमसे सवाल पूछ रहे हैं बे, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कभी पढ़े हो अपने बारे में? लोग कह रहे हैं जिस टाइम पे ये लोग बताए थे कि ऐसा चंद्रमा पे उतार दिए थे रॉकेट और ऐसा फुसफुस करके 4 लौंडे वहां घूमे थे और मिट्टी विट्टी बटोर के ले आए थे, कहानी कर लिए थे, अवशेष लगा दिए थे, झंडा गाड़ दिए थे, अबे कौन मानने को तैयार नहीं है बे? What the fuck? काहे के पन्ने का बन के घूमते रहते हो बे? मतलब बताओ, लोग कह रहे स्टूडियो में लैंडिंग थी, मतलब यही छुपा छुपी के खेल में। एक और चीज हमको याद आई है, वो तुम्हारा चुतियापा है कि US गवर्नमेंट का है हमको नहीं पता। वैसे US गवर्नमेंट से हमको एक और चीज याद आई, बहुत मजेदार गवर्नमेंट है तुम्हारी, एक तो सामान इधर उधर नहीं कर पा रही, इंडिया वाले कुछ सामान मांग रहे दे नहीं पा रहे, मगर जब अपनी पड़ती है तो यहाँ से लोग के वहां से लोग के सब जगह से मंगा लेते हैं, काहे कि हम सुपर पावर हैं। खैर छोड़ो, क्या बात करना उसके बारे में भी, हम लोग एरिया 51 के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप एगो एरिया बनाए हैं एरिया 51। बताओ ऐसा कौनो एरिया होता है? हमारे नकाश कोना है, हमारे यहाँ पे खिद्रपुर है बे, हमारे यहाँ पे गुजरात में सूरत है, ये एरिया 51 क्या बे? नाम नहीं दे पा रहे थे सही से। अब बताओ, कह रहे हैं कि वहां पे तुम लुका के रखे हो एलियन वेलियन। अबे मतलब घोचू समझे हो का? एलियन है बे, तुम्हारे मौसी का लौंडा नहीं है कि साला घूमने निकला पार्क में तो उसको धर के घड़ी मार के रख ली अपने पास। अबे उसका बॉडी देखते हो, उसका खोपड़ी देखते हो, खोपड़ी का साइज देखा है? अबे जब इतना बड़ा खोपड़ी होगा तो उसके अंदर उतना ही बड़ा दिमाग भी होगा, और अगर एलियन इतना ही चूतिया है तो फिर तुम रहने दो बे,
का एलियन एलियन पकड़ रहे हो बे, इससे अच्छा हम दो दो लंगूर पकड़ के अपने यहाँ पर बैठवा के डमरू बजा के नचाएंगे। पीटा वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तो इस बात पे फिर छोड़ो क्या बोले हम। कहे कि अगर एलियन चूतिया हुआ तब तो कोई बात नहीं, अबे जिस दिन एलियन की खिसक गई ना, उनको पता चला है कि तुम उनके एक लौंडे को यहाँ पे ऐसा पृथ्वी में पकड़ के चीरफाड़ मचाए हुए हो बे, अबे तुम्हारी जौन हालत कर देंगे वो लोग आके, इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। अब और भी बहुत दिक्कत है बे नासा तुमसे, बम हम तो साइड में धर दे हम, मगर दिक्कत तुमसे खत्म है नहीं होती है बे। तुम्हारे जो लक्षण है बिल्कुल है नहीं सही हमको लगते हैं। बताओ साला, तुम रॉकेट इधर से उधर उड़ाने में, इधर से आग लगा के फेंकने में, उधर से आग लगा के फेंकने में इतना पैसा गवा दियो बे, और उसके बाद तुम्हारा जब दिल नहीं भरा, मन नहीं भरा, तो क्या है बे चार पैर वाला रोबोट वोबोट इधर उधर गाड़ी में टायर लगा के भेज दे रहे हो। बहुत साला गजब रोबोट है बे, चार दिन तक चलता है, उसके बाद डांड सिग्नल नहीं दे रहा है, सब तुम्हारा खत्म, ले सारी मेहनत गई पानी में, हो गवा कमाल। अबे इससे अच्छा तो वो क्या है, DJI फैंटम। हाँ अबे हमारे जैसे लौंडे लाके उसको उड़ा सकते हैं आसमान में, और उसे जो वीडियो आता है का बताएं, का वीडियो आता है अबे, खींच खाच के अगर वीडियो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे डाल देना, हजारों व्यू मिल जाते हैं बे। ऐसा हमारी शक्ल देखने के लिए हजार लोग नहीं आते, मगर वो देखने के लिए आ जाएंगे। पता है तुमको, तुम का टेक्नोलॉजी बनाते हो बे, सब फालतू। अब कम से कम DJI हमारे इशारे पे चलता है, तुम साले भेज देते हो रोबोट, वो जाके गड्ढे में घुस जाता है किसी, अब वहां तो कौन देखने आ रहा है कि वो गड्ढे में गया कि एलियन की या कौनो घसीट लेगा वो उसको। मतलब हमारे यहाँ के जो चार लौंडे है ना, उनको ऐसा एक तो रिमोट मिल जाए, एक तो ऐसा कैमरा मिल जाए, लौंडे उसको पटक पटक के खेल लेते, खिलौना खिलौना। तो क्या पता तुम्हारा रोबोट एलियन लोगों को खिलौना लग रहा हो बे, समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई चूतिया ऐसा पृथ्वी नाम की जगह पर बैठ के कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पे तुम ऐसा हेलो हेलो करना चाह रहे हो, जो तुम पैसा लगाए थे सब नष्ट हो गवा। अबे एक काम करो बे, इंडियन जैसी हरकतें मत करो, अमरीकी हो अमरीकी जैसी हरकत करो ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तुमको तो यही लग रहा है। अबे जो अपने पास है पहले उसको हिफाजत से रख लो ना, जो पेड़ पौधा दिया है, जो पहाड़ दिया है, झरना नदी दिया है, वही को बचा लो तमीज से, और जब बचा बचा लोगे तब तुमको दुनिया एक्सप्लोर करना है, करो ना बे, वो टेलीस्कोप लगा के एक्सप्लोर करो, उससे तुम्हारा काम नहीं हो जा रहा है, नहीं तुमको साले वहां जाना है रॉकेट उड़ा के, ये रॉकेट ही साला सारी दिक्कत है, आज बार देंगे कहां है चाबी, रॉकेट को लाओ साले यहीं पर नष्ट कर दे। कंट्रोल क्या करें बे नासा तुम्हारा, अबे हमको इतना ही अगर स्पेस में घूमने का शौक होगा ना, तो इलॉन भैया हमारे, हाँ वही इलॉन मस्क, वो टेस्ला वाला रे, वही उससे बोल देंगे, वो घूमने का इलाज कर लेगा बे हमारा। जानते हो कि नहीं, गाड़ी वाड़ी तो ऑलरेडी भेज दिया है वो, गाड़ी एलियन लोगों को मिलेगी, वो लोग चला के देख लेंगे इंजन फायर वायर कर रहा है कि नहीं। बाबू तुम वही काम करो जिसके तुम लायक हो बे। ओह माय गॉड, अबे तुम सैटेलाइट वैटेलाइट बनाओ ना, वो अच्छी चीज है, कम्युनिकेशन रहना चाहिए बे, यहाँ साला तीन दिन मियाँ बीवी में बात ना हो, चौथे दिन कहीं और उनका टांका भिड़ जाता है, तुम सैटेलाइट बना रहे हो, बहुत अच्छा सैटेलाइट बनाओ, अपने लौंडों को अलग अलग जगह बांट दो, चार लौंडों को बोलो जमीन के ऊपर काम करें, दो मेहरारुओं को बैठा दो पहाड़ पे, वो बोलो वहां पर कुछ काम करें, अबे वो सब काम करो, लोग दुआ देंगे, कुछ अच्छा होएगा, नहीं तुमको साला जाना है मार्स पे, जुपिटर पे, वहां पे कॉलोनी लगानी है, वहां पे तुम लौंडों से कंपटीशन करवा के घर बनाने का डिजाइन खोज रहे हो, वहां पे वहू साले कमाल है, चीटी स्टाइल से घर बनाने का हिसाब दे रहे हैं वहां पे, तो फिर यहाँ पे कहे 40 माले का बिल्डिंग, 100 माले का बुर्ज खलीफा खड़ा कर रखे हो बे। तुमको एक बहुत सिंपल सा और प्यार मोहब्बत से जिगरा लगा के एकदम बता दे रहे हैं बात, नाम को थोड़ा सीरियस लेना छोड़ दो और काम को सीरियस लो बे, समझ रहे हो, सुनामी पता लगाओ, ये आग वाग जो लग रही है इसका पता लगाओ, साले भूसंकलन का पहले पता लगा लो, ये सब काम करो बे, समझ रहे हो, अब बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती तुम हमारी करवा ली, हम तुम्हारी कर दिए। इसी के साथ ही ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं, मैंने कुछ नया करने की कोशिश की थी, जिनको अच्छा लगा हो प्लीज थैंक यू, जिनको भाई बुरा लगा हो यार सिर्फ मजाक था ये, देयर इज नथिंग टू गेट ऑफेंडेड अबाउट इट।
I totally respect NASA from the bottom of my heart, but yet I wanted to do this joke kind of thing, या comedy sketch kind of thing on NASA, तो मैंने कर दिया। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। मैं हूँ आपका बंदा घूम केतु, मेरा नाम है शशांक, यो बॉय नेक्स्ट डोर। अगर ये वीडियो 100 लाइक्स के पार हो गया, 100 लाइक्स ना, चलो 100 ही लाइक्स रख लेते हैं, 100 लाइक्स के पार हो गया, तो आपका लौंडा ये दाढ़ी वाड़ी हटा के एकदम चिकन चिकन चिकनी बन के आप लोगों के सामने वीडियो बनाएगा। और नेक्स्ट अगर इसी तरह का रिव्यू किसी और चीज का चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो यार, मैं काफी अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चले जाओ, वहां पे भी घर वाले डीजे में गाना वाना बजा के एकदम ताथैया करते रहते हैं। ठीक है, मिलता हूँ किसी अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, हास्ता ला विस्ता बेबी। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा।